हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए जानते हैं आंवला का अचार कैसे बनाते हैं। सर्दियां शुरू हो गई हैं, आंवला बहुत आने लगा है, देखने में मन लगता है तुरंत कि ले लो बना लो। बनाना भी बहुत सरल है, लगता है कि कैसे बनेगा क्या होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने आंवला पानी में डाल दिया था। अब इसको कैसे काटेंगे, इसके पीस कैसे करेंगे देखती हैं। तो सबसे पहले पानी बॉयल होने रख दें और उसमें आंवले हैं जो डाल दें। मैंने ये केवल 500 ग्राम आंवला लिया है और इसको पानी में डाल दिया है। ये देखिए अभी धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जाएगा और जैसे जैसे कलर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो कलियां होती हैं वो अपने आप खुलने लगेंगी। तो यही पहचान है इसकी कि आंवला जो है पक चुका है। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ किस तरह से पकती है। आंवला हमारे शरीर के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसको आंवला में सबसे खास बात यह है कि इसमें पाए जाने वाले मिनरल, कैसे भी आप इसको खाएं, बना के खाएं, सुखा के खाएं, अचार डाल के खाएं, पर इसकी गुणवत्ता जो होती है वैसी ही बनी रहती है। ये देखिए ये सारी कलियां खुलने लगी हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद अब हम देख लीजिए गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि अभी हमारा आंवला पक चुका है, इसके पीस अलग होने लगे हैं। तो इसको गैस ऑफ कर देते हैं और इसको उसके बाद किसी साफ़ बर्तन में इसको किसी छलनी से निकाल लेंगे इस तरह से, जिससे इसका पानी है वो निकल जाएगा। इसको निकाल लिया है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते, बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा करेंगे, बस इतना करेंगे जिससे कि हम हाथों से छू सकते हैं, हमारे हाथ ना जलें। उसके बाद इसके सारे जो पीस हैं, ये देखिए ठंडा हो चुका है, कितनी आसानी से इसके पीस अलग हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया, बस इतना ही किया है कि हाथ हमारे जले नहीं। और ये सारे पीस इसके अलग कर लेने हैं एक एक करके। उसके बाद इसको किसी कपड़े पर, टॉवल हो या कोई भी सूती कपड़ा हो, उस पर इसको फैला देते हैं और इसको 2 से 4 घंटे तक इसी तरह से फैला हुआ छोड़ देंगे क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा सोख जाएगा। इससे हमारा अचार काफ़ी दिन तक रखा रहता है, ख़राब नहीं होगा। ये देखिए मैंने फैला दिया है और इसको 2-3 घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। उसके बाद इसको उठाएंगे। आंवला हमारे 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसको एक बाउल में कर लिया है। और आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या मसाला हमें ज़रूरत पड़ेगी। मसालों को भूनना नहीं है। ये है सौंफ, ये है काश्मीरी मिर्च और ये रही मेथी, मेथी दाना जो हम सब्जी में डालते हैं। हींग है स्वाद अनुसार, जीरा, हल्दी और ये है सरसों, बड़ी वाली सरसों है क्योंकि आंवला खुद ही खट्टा होता है, इसलिए राई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी मैंने कढ़ाई में 150 ग्राम करीब तेल अंदाज से डाल दिया है क्योंकि 500 ग्राम आंवला है और ये 2-2 चम्मच सारे साबुत मसाले लिए हैं, इनको हम पीस के तैयार कर लेते हैं। अब इस तेल को गर्म होने देते हैं। जब इस तेल में धुआं निकलने लगे उसके बाद ये सारे मसाले अब मैं पीस के लाती हूँ और ये नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे तेल में धुआँ निकलने लगा है, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। गैस जला के मसाले बिल्कुल नहीं डालने, मसाले कच्चे ही डालने क्योंकि तेल गरम है तो मसाले इसमें पक जाते हैं। और ये देखिए मसाला गरम हो चुका है और थोड़ा सा तेल ठंडा भी कर लेते हैं। ये हींग डालते हैं सबसे पहले। हींग के बाद जो मैंने मसाले दिखाए थे वो सारे मैंने पीस लिए हैं, दरदरे पीसे हैं, इसमें डाल देते हैं। ये देखिए इससे मसाले हैं, कच्चापन सारा निकल जाता है, इससे अचार हमारा बहुत दिन तक चलता है। ये काश्मीरी मिर्च है, इससे एक तो स्वाद भी अच्छा आता है, दूसरे कलर बहुत अच्छा आता है किसी भी अचार में या कहीं भी आप इसको डालें। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम सारे आंवले डाल देते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से चलाएँगे जिससे कि सारे आंवले की जो कलियाँ हैं इनमें ये मसाला अच्छे से मिल सके। और चलाने के बाद इसको 2-3 घंटे तक के लिए हम छोड़ देंगे। अभी इसमें नमक ऐड नहीं किया, नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। कई लोग फीका खाते हैं, कई लोग तीखा खाते हैं, उसी हिसाब से नमक आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से 2 से 4 बार चलाते रहेंगे और चलाने के बाद इसको ढक के
2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये सारा जो मसाला वगैरह है इसमें अच्छे से घुल जाए, अच्छे से टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए मैंने इसको चला के छोड़ दिया है, और जिससे और इसमें अगर यदि आपका एक्स्ट्रा तेल हो तो भाई आप सब्ज़ी बनाने में काम में ले सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से भी भर के रख सकते हैं, तेल ऊपर रहेगा तो अचार सालों ख़राब नहीं होगा। अब ये देखिए 2 से 4 घंटे हो चुके हैं, अचार तैयार हो गया। अब आप इसको किसी कांच के बाउल में भर कर रख लें, या कांच का जार वगैरह जो भी हो इसको पलट के उसमें रख लें। और इसको ये अचार की खासियत ये है, आप इसको अब तुरंत खा सकते हैं, अचार बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। इसमें कुछ भी आपको अब नहीं करना है, आप इसको तुरंत खाने के साथ शाम को खाइए और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये देखिए मैं इसमें कांच के बाउल है इसमें भर के रखती हूँ, और उसके बाद इसको आप कांच के जार में किसी में भर के रख सकते हैं, बहुत साल चलने वाला अचार है ये। आप भी आंवले का अचार ज़रूर ट्राई करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी अपलोड करूं उसका वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।